औरंगजेब ने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। उसके लंबे शासनकाल में मुगल साम्राज्य का क्षेत्रफल अपनी चरम सीमा तक जा पहुंचा। इस समय वह उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में जिंजी तक और पश्चिम में हिंदुकुश की पहाड़ियों से लेकर पूरब में चटगांव तक फैला हुआ था। औरंगजेब एक मेहनती शासक साबित हुआ। वह अपने शासनकाल में अपने आप को भी बख्शता नहीं था और अपने साथ काम करने वालों को भी। उसके पत्र में लिखाते हैं हमें कि राज्य के सारे मामलों में वह कितना अधिक ध्यान देता था। वह एक कठोर अनुशासन वाला व्यक्ति था जो अपने बेटों को भी बख्शता नहीं था। 1686 में गोलकुंडा के एक शासक के साथ षड्यंत्र करने के आरोप में उसने शहजादे मुअज्जम को गिरफ्तार कर लिया और उसको 20 साल का कठोर कारावास दे दिया। उसके दूसरे बेटों को भी उसने अनेक जगहों पर गुस्सा दिखाया। औरंगजेब का रुतबा इतना था कि जब वह बूढ़ा हो गया तब भी जब कभी वह मुअज्जम को पत्र लिखता था तो वह दूर होने के बावजूद भी कांप उठता था। अपने पूर्वजों के विपरीत औरंगजेब को तड़क भड़क बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह सादगी और निजी जीवन में विशेष रूप से रहता था। उसे सादा जीवन जीना पसंद था। उसने एक रूढ़िवादी ईश्वर भक्त मुस्लिम होने की प्रसिद्धि प्राप्त की, इसलिए आगे चलकर उसे जिंदा पीर कहा जाने लगा। लेकिन शासक के रूप में औरंगजेब की उपलब्धियों पर इतिहासकारों में बहुत से मतभेद है। कुछ की राय है कि उसने अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को पलट दिया, इस तरह साम्राज्य के प्रति हिंदुओं की निष्ठा कमजोर हुई। फिर इनके कारण जन विद्रोह हुए जिससे साम्राज्य की लाइफलाइन को कम कर दिया। उसके शक्की स्वभाव ने उसकी मुसीबतें और बढ़ाई और काफी खान के शब्दों में उसके सभी उद्यम लंबे खींचे गए और अंत में असफल हुए। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि औरंगजेब की गलत निंदा की गई है। उसके अनुसार औरंगजेब के पूर्वजों की ढील के कारण ही हिंदू निष्ठाहीन हो गए थे और इस कारण औरंगजेब के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह कठोर कदम उठाए और मुसलमानों को अपने साथ लाने का प्रयास करे। उसके बल पर ही दीर्घकाल में साम्राज्य को टिके रहना था। लेकिन औरंगजेब संबंधी हाल की रचनाओं में एक और प्रवृत्ति का पता चलता है। इन रचनाओं में सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत विकास कर्मों के संदर्भ में औरंगजेब की राजनीतिक और धार्मिक नीतियों का मूल्यांकन का प्रयास किया गया है। औरंगजेब के रूढ़िवादी विचारों वाला व्यक्ति होने के बारे में शायद ही कोई शक हो। दार्शनिक बहसों और सूफीवाद में उसकी कोई रुचि नहीं थी। हालांकि कभी कभी वह सूफी संतों के यहाँ उनकी दुआएं लेने जाता रहा और अपने बेटों को भी सूफीवाद में उलझने से नहीं रोका। औरंगजेब ने मुस्लिम कानून को हनफी व्याख्या को अपनाया जिसका पालन भारत में पारंपरिक रूप से हो रहा था, लेकिन वह लौकिक आदेश जारी करने से कभी नहीं झिझकता था जिनको जबाविद कहते हैं। उसके आदेशों और सरकारी नियम कायदों को एक पुस्तक में संकलित किया गया जिसका शीर्षक जवाबित ए आलमगीरी है। सिद्धांत में ये जवाबित शरीयत के पूर्वक थे, लेकिन व्यवहार में वे कभी कभी भारतीय दशाओं को ध्यान में रखकर शरीयत में संशोधन भी कर लेते थे क्योंकि शरीयत में इन दशाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं था। इस तरह रूढ़िवादी मुसलमान होने के अलावा औरंगजेब एक शासक भी था।
वह राजनीतिक यथार्थ को शायद ही भूल सकता था। भारत की अधिकांश जनता हिंदू है और धर्म से उनका गहरा लगाव है। जाहिर है कि ऐसी कोई नीति काम नहीं आती जो हिंदुओं तथा शक्तिशाली हिंदू राजाओं और जमींदारों को पूरी तरह विमुख कर देती। औरंगजेब की धार्मिक नीति का विश्लेषण करने से पहले हमें ध्यान देना होगा कि नैतिक और धार्मिक नियम क्या कहते हैं। अपने शासन के आरंभ में ही उसने सिक्कों पर कलमा दर्ज करने से मना कर दिया था कि कहीं हाथों हाथ जाते हुए कोई सिक्का किसी के पैर में ना आ जाए या अपवित्र ना हो जाए। उसने नवरोज त्योहरा मनाया जाना बंद कर दिया, जिसे ईरानियों के साफी बादशाह मानते थे और जो एक ज़रूरतरी यानी फारसी प्रथा माना जाता था। सभी सूबों में मोहसिब नियुक्त किए गए। इन अधिकारियों को यह देखने का निर्देश था कि वह लोग शरीयत के अनुसार जीवन व्यापन कर रहे हैं या नहीं। इस तरह इनका काम यह देखना था कि सार्वजनिक स्थानों में शराब और भांग जैसी नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं किया जाए। ये लोग वैश्यालयों, जुए के अड्डों आदि पर नियंत्रण रखने तथा बातों तथा मापों की जांच करने के लिए भी जिम्मेदार थे। दूसरे शब्दों में इनका काम सुनिश्चित करना था कि शरीयत और जवाबित में शामिल निषेधों का यथासंभव उल्लंघन ना हो। मुहतसिबों को नियुक्त करके औरंगजेब ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य नागरिकों और विशेषकर मुसलमानों के नैतिक कल्याण के लिए ही जिम्मेदार है। इन पर सभी अधिकारियों और नागरिकों के निजी जीवन का में हस्तक्षेप करने के निर्देश थे। आगे चलकर अपने 11वें शासन वर्ष में औरंगजेब ने अनेक कदम उठाए जिन्हें कट्टर कहा जाता है। उनका मकसद यह दिखाना था कि बादशाह ऐसी तमाम नीति रिवाजों का विरोधी है जो शरीयत से मेल नहीं खाते या जिनको शांतिपूर्वक माना जाना सकता है। इनमें से कुछ कदम तो आर्थिक और सामाजिक चरित्र वाले भी थे। मसलन उसने दरबार में गायन पर प्रतिबंध लगा दिया और सरकारी संगीतकारों की छुट्टी कर दी गई, लेकिन वाद्य संगीत और नौबत जारी रहे। हरम की महिलाएं भी गायन को संरक्षण नहीं को देती रही तथा शहजादे और अमीर भी। यह बात दिलचस्प है कि जैसा कि पहले कहा गया कि भारतीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के काल में ही लिखी गई तथा स्वयं औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक था। इस तरह विरोध करने वालों संगीत के सामने औरंगजेब की एक चुटकी की संगीत जिस जनाजे को वह लेकर जाते थे उसके इतना गहना दफन करे कि उसकी गूंज फिर उठने न पाए, बस एक क्रुद्ध टिप्पणी थी। औरंगजेब ने जरोखा दर्शन का रिवाज बंद कर दिया क्योंकि वह इसे अंधविश्वासी और इस्लाम के खिलाफ मानता था। इस तरह उसने बादशाह के जन्मदिन पर उसने सोने चांदी और दूसरी वस्तुओं के मुकाबले तोलने का समारोह भी समाप्त कर दिया। यह रिवाज जो उसे लगता था कि अकबर के काल में शुरू हुआ था काफ़ी प्रचलित था और छोटे छोटे कुलीनों पर बोझ बन चुका था, लेकिन सामाजिक जनमत का दबाव इतना अधिक था कि औरंगजेब को शहजादी को बीमारी से मुक्त होने के लिए समारोह को मनाने की इजाज़त देनी पड़ी। उसने ज्योतिषियों को पंचांग तैयार करने से मना कर दिया, लेकिन शाही परिवारों के सदस्य समेत हर कोई इस आदेश का उल्लंघन करता रहा। इस तरह उसने दूसरों बहुत से नियम बनाए, कुछ नैतिक प्रकृति के थे, कुछ सादगी की भावना पैदा करने के उद्देश्य बनाए थे। तख्त वाले कमरे की सजावट मामूली और सीधे ढंग से की जाने लगी। बाबू लोग चांदी की दावतों के बजाय चीनी की मिट्टी के दावतों का प्रयोग करने लगे। रेशम के कपड़ों पर नाक भी सिकुड़ा जाने लगा। दीवाने काम में सोने की बार की जगह लाजवर्द का उपयोग होने लगा जिस पर सोने का काम होता था। किफायत के एक कदम के रूप में इतिहास लेखन का विभाग बंद कर दिया गया। मुसलमानों को व्यापार में बढ़ावा देने के लिए औरंगजेब ने पहले तो आयातित वस्तुओं पर लगने वाले महसूल को मुस्लिम व्यापारियों को बड़ी सीमा तक मुक्त कर दिया। जल्द ही उसको पता चला कि मुस्लिम व्यापारी इसका दुरुपयोग कर रहे हैं
राज्य को धोखा देने के लिए हिंदुओं के माल को अपना बता रहे, इसलिए मुस्लिम व्यापारियों को यह महसूल दोबारा लगाया गया, लेकिन इससे दूसरों से वसूल की जा रही दर को आधा रखा। इसी तरह उसने पेशकार और करोड़ी और छोटे हाकिम के पदों को मुसलमानों के लिए आरक्षित करने का प्रयास किया, पर अमीरों के विरोध और योग्य मुसलमानों के अभाव कारण उसे जल्द ही संशोधन करना पड़ा।